हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार रियलमी के C3 के कुछ कमाल के फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स स्लैश हिडन फीचर्स के बारे में। तो गाइस इस फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमाल के फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स गाइस रियलमी UI पे आता है एंड्रॉयड 10 पे, तो बहुत ही कमाल के फीचर्स है गाइस आज के इस वीडियो में सब आपको बताने वाला हूँ। आई एम श्योर कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ जाता है देखने बाद तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट इस वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज हमारे फ़ोन के अंदर यहाँ पर Realme UI आता है तो काफ़ी कमाल के फीचर्स हमें फ़ोन में इनबिल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं गाइज कि नेटिव वीडियो कॉलिंग हमें अपने फ़ोन के अंदर चाहिए, तो गाइज उसको इनेबल करने के लिए जस्ट हमें यहाँ पर डायलर में जाना है और इस तरीके से स्वाइप अप करके आप अपने कॉन्टैक्ट्स में आ जाएंगे। कोई भी एक कॉन्टैक्ट होगा गाइज वहाँ पर आप जाएंगे तो डायरेक्टली यहीं पर आपको वीडियो कॉल करने का ऑप्शन दिख जाता है, जस्ट उस पर टैप करके आप नेटिवली वीडियो कॉलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर गाइज आप डायल पैड से यहाँ पर नंबर डायल करना चाहते हैं तो जस्ट आपको डायल करना है और उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो वीडियो कॉल आप ऐसे कर सकते हैं। और गाइज काफ़ी ज़्यादा लोग आज के टाइम में जो फीचर्स यूज़ करते हैं उसमें से एक यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का भी है, तो गाइज उसके लिए आपको सेटिंग्स में सिम एंड नेटवर्क में जाना है और सिम कार्ड पर गाइज आप टैप करेंगे तो गाइज यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग का फीचर मिल जाता है। जस्ट गाइज आपको इस वाईफाई कॉलिंग के फीचर को यहाँ से इनेबल कर लेना है और गाइज उसके बाद आप अपने वाईफाई के ऊपर यहाँ पे कॉलिंग यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके फ़ोन में काफ़ी स्टेबल कनेक्शन यहाँ पे आप यूज़ कर पाएंगे। और वोल्टेज तो गाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट आजकल सारे ही फ़ोन्स में आपको इनेबल मिलता है, तो गाइज़ वाईफाई कॉलिंग आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं अगर लो नेटवर्क एरियाज़ में आप रहते हैं। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे हमें कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाता है, जस्ट डायलर में जाके यहाँ पे डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आपको यहीं मिल जाता है, जस्ट आपको इस पे टैप करना है और काफ़ी सारे ऑप्शन है गाइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो जैसे आप चाहते हैं। और उसी के बाद गाइज यहीं पे आपको एक और फीचर मिल जाता है फ्लैश ऑन कॉल का, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन की फ्लैश लाइट यहाँ पे ब्लिंक करेगी जो कि काफ़ी पुराना फीचर है। और उसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पे जो साइड बार देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको ये वाला देख सकते हो यहाँ पर, ये साइड बार आपको काफ़ी सारे रियलमी के फ़ोन्स में मिलता है पहले से भी, पहले इसका कुछ रेक्टेंगल शेप थी, अब ये कुछ इस तरीके से लाइन वाइज आता है और इसमें आपको काफ़ी शॉर्टकट्स मिलते हैं जैसे कि स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहीं पे आप ऐसे टैप करते हैं जैसे इस तरीके से, तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, फाइल मैनेजर का भी है और जैसे आप कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पर ये पॉपअप विंडो में ओपन कर देता है ऐप और यहाँ से गाइज आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स भी है जिससे ओपेसिटी वगैरह आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आप ऐप ओपन करते हैं ना वो यार यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में ओपन होता है, जैसे कि फाइल मैनेजर यहाँ पे ओपन हो गया है और देख सकते हो पूरी फ्लोटिंग विंडो में यहाँ पे ओपन हुआ है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एडिट का भी बटन मिलता है, इसमें से गाइज आप अपनी और भी ऐप्स को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाता है गाइज। उसके बाद गाइज अगर हम यहाँ पे क्विक टॉगल्स में जाते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। एक ऑप्शन गाइज आपको यहाँ पे रियलमी शेयर का भी देखने के लिए मिलता है अगर आप इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो। गाइज ये जैसे कि शाओमी के फ़ोन्स में अभी नया एक शेयरिंग का फीचर आया MIUI 11 में, उसी की तरह गाइज ये यहाँ पे काम करता है, देख सकते हो रियलमी शेयर है, यहाँ पे आप ओप्पो Xiaomi और Vivo के फ़ोन्स में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, जस्ट आपको यहाँ पे रिसीव करना है और उन फ़ोन से आप डायरेक्टली डेटा यहाँ पे सेंड कर सकते हो, तो कोई आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है गाइज। ये काफ़ी कमाल का फीचर है, आने वाली वीडियोज़ में मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे हमें ग्लोबल सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट आपको अपने होम स्क्रीन पर स्वाइप डाउन करना है इस तरीके से और यहाँ पे ग्लोबल सर्च ओपन हो जाता है। अब गाइज यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप अगर गूगल सर्च करोगे तो गूगल ऐप्स वगैरह आ गई, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट सर्च करोगे तो वो कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पे शो होने लग जाएंगे आपको, तो जो गाइज आप सर्च करोगे वो यहाँ पे ग्लोबली शो होगा, आपके फ़ोन के अंदर होगा तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको डार्क मोड का सपोर्ट भी मिल जाता है रियलमी UI के सारे ही डिवाइसेज में, तो वो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है डिस्प्ले में अगर आप जाएंगे तो। गाइज यहाँ से आप डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद आपका फ़ोन का पूरा लुक यहाँ पे डार्क हो जाएगा और यहाँ पे आपको शेड्यूल करने के भी ऑप्शंस मिलते हैं गाइज, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन पर चलते हैं तो अगर आप होम स्क्रीन को होल्ड करते हो काफ़ी ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, बेसिक से इफेक्ट्स वगैरह भी कर सकते हो, बट अगर आप सेटिंग्स में यहाँ पे जाते हो तो गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन से देख सकते हो, तो आइकन ऑटो फिल का भी ऑप्शन है गाइज। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार एट होम स्क्रीन का भी ऑप्शन है जो आपको बॉटम पे देखने के लिए मिलता है, वो कुछ इस तरीके से ऑफ हो जाता है क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पता है गाइज अभी कमेंट करके मुझे पूछ रहे हैं कैसे इसको हटाना है, तो यहाँ से गाइज वो आप हटा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे
ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन आपको क्या चाहिए वो देख सकते हो, और यहाँ पे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन ग्लोबल सर्च जैसे मैंने अभी आपको बताया उसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, डबल टैप टू लॉक स्क्रीन का भी है गाइज, और डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट ये सारे फीचर्स है गाइज, थीम्स वगैरह आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ से आप थीम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो गाइज, बट रियलमी में काफ़ी ज़्यादा पेड थीम्स वगैरह देखने के लिए मिलती हैं तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो गाइज यहाँ पे काफ़ी पेड थीम है तो कुछ फ्री अगर आपको मिलती हैं तो गाइज वो डाउनलोड करके आप ट्राई कर सकते हो। बाकी गाइज यहाँ पे फोन्स का भी ऑप्शन है जिसमें जाने के बाद आप अपने डिवाइस के लिए यहाँ पे फोन्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि अगेन गाइज मुझे यहाँ पे पेड नज़र आ रहे हैं तो गाइज मैं इसको ट्राई आउट नहीं करने वाला हूँ, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। उसके बाद गाइज अगर हम यहाँ पे अदर वायरलेस कनेक्शंस में जाते हैं तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई टेथरिंग का भी ऑप्शन है, यूएसबी टेथरिंग का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, और गाइज स्क्रीन कास्ट का भी ऑप्शन है तो अपने फ़ोन की स्क्रीन को टेलीविजन पे आप यहाँ पे कास्ट कर सकते हैं। तो गाइज अच्छा लगा कि यहाँ पे सारे फीचर्स हमें दिए गए हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे डुअल चैनल एक्सेलरेशन का भी फीचर हमें देखने के लिए मिलता है वाईफाई के अंदर ही, अगर आप वाईफाई में जाते हैं और इसको यहाँ पे हम एक बारी ऑन करते हैं तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे डुअल चैनल एक्सेलरेशन है कि मतलब गाइज ये एक तरीके से काम करेगा कुछ इन लिमिटेड ऐप्स में जो आपको यहाँ शो होंगी, ये वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क दोनों को यूज़ करेगा बेटर आपको नेटवर्क स्पीड्स प्रोवाइड करने के लिए, जिस पे ज़्यादा बेटर स्पीड आ रही होगी उस पे यहाँ पे स्विच करता रहता है ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिले। और उसके बाद गाइज यहाँ पे वाईफाई असिस्ट का भी ऑप्शन है, ये गाइज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कब आपके नेटवर्क यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है वाईफाई का तो आपके मोबाइल पे स्विच कर लेगा, और आपको यहाँ पे अगर मोबाइल पे डेटा मतलब ठीक नहीं है तो ये वाईफाई पे स्विच करेगा। तो गाइज अगर आप वगैरह खेलते हो या कुछ ऐसी चीजें डाउनलोड वगैरह करते हो, मतलब कोई ऐप्स या फिर कुछ भी डाउनलोड करते हो जिसमें बीच आपको इंटरप्शन नहीं चाहिए तो इस फीचर को यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा ये यहाँ पर हेल्पफुल मुझे लगा है। और गाइज अगर आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज चेक करनी है अपने फ़ोन के अंदर तो आपको सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में, यहाँ पर गाइज आपको देख सकते हो काफ़ी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज का मिल जाएगा, डू नॉट डिस्प्ले इनसाइड आइकन और आउटसाइड आइकन अगर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा छोटा मिलेगा, दोनों ही साइज़ गाइज इसके छोटे हैं तो आप जो मर्जी कर सकते हो, मैंने अंदर किया हुआ है, और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड गाइज यहाँ पर मैंने इनेबल किया हुआ है तो गाइज यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मुझे नेटवर्क स्पीड और बैटरी इंडिकेटर दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट इन स्टेटस बार गाइज आपको आइकन्स चाहिए, नंबर ऑफ मैसेज चाहिए, नो प्रॉम्प्ट चाहिए, काफ़ी सारे ऑप्शन है गाइज, वेकअप लॉक स्क्रीन वन नोटिफिकेशन इसका ये ऑप्शन है गाइज, इसको आप इनेबल कर लेना ताकि गाइज आपको कोई नोटिफिकेशन आए तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई नोटिफिकेशन एलईडी या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है तो गाइज इसको आप ऑन कर सकते हो तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो लॉक स्क्रीन पर ही आपको शो हो जाएगी या स्क्रीन आपकी यहाँ पर ऑन हो जाएगी। उसके बाद गाइज जब भी आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को इस तरीके से नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको डेटा लिमिट शो होती रहती है, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर का, उसके बाद गाइज आपको ये शो नहीं होगा, और डिस्प्ले नोटिफिकेशन ड्रॉवर इन लॉक स्क्रीन का भी ऑप्शन है, इसको भी टर्न ऑन एंड ऑफ आप यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप कुछ टॉगल्स को इस तरीके से नीचे करते हो तो यहाँ पर कुछ कमाल के टॉगल्स हैं, जैसे कि आई केयर मोड है, इससे आपकी आंखों पर स्ट्रेन कम मिलेगा, इसको भी आप शेड्यूल कर सकते हो और यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करने के बाद ये इनेबल भी हो जाएगा, तो गाइज ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। डार्क मोड का टॉगल भी आपको ऊपर ही मिल जाता है, फॉन्ट और अगर आप स्क्रीन साइज वगैरह यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं डिस्प्ले में आपने जाना है, देन गाइज नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट का ऑप्शन है गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया डाउनलोड कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ नॉर्मल है गाइज, बहुत बेसिक सेटिंग्स है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो जो चाहते हो। फुल स्क्रीन डिस्प्ले का गाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन है, जिस ऐप में आप चाहते हो वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। सो गाइज अगर आप चाहते हो लॉक स्क्रीन मैगजीन यानी कि जो लॉक स्क्रीन पे आपको अलग अलग वॉलपेपर शो होते हैं वो यूज़ करना तो आपको यहाँ पे जाना है, एंड देन गाइज यहीं भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन मैगजीन का सबसे नीचे, इसको गाइज अगर आप इनेबल कर लोगे तो आपको जो मोबाइल के डेटा या फिर वाईफाई पे डेटा की मदद से आपको सारे वॉलपेपर्स अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी गाइज यहीं पे आपको होम स्क्रीन मोड में दो ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, एक तो ऐप ड्रॉवर है, जैसे कि हमारे फ़ोन में भी ऐप ड्रॉवर यहाँ पर इनेबल है, बट गाइज अगर आपको पुराना वाला लुक पसंद आता है तो आप इसको स्टैंडर्ड मोड पे अगर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से तो गाइज ये स्विच कर जाएगा, सारे जो ऐप आइकन्स होंगे आपकी वो होम स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको शो होंगे जैसे कि पहले पुराने रियलमी डिवाइसेज में होता था। तो गाइज आज के टाइम में तो ऐप ड्रॉवर काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसी को यूज़ करना चाहिए यार, काफ़ी ज़्यादा सिंपलिस्टिक सा लुक आता है तो मैं तो इसी को यूज़ करता हूँ। उसके बाद गाइज बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं, बट गाइज अगर आप चाहते हो कि मीडिया वॉल्यूम को यहाँ पे एडजस्ट ना करें, रिंग वॉल्यूम आपको चेंज करनी है तो सेटिंग्स में जाना है यार, और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशंस में जाना है,
देन यहाँ पे आप देख सकते हो डिफॉल्ट फंक्शन फॉर वॉल्यूम बटन्स, इसको गाइज आपको रिंगटोन वॉल्यूम पे कर देना है तो ये रिंगटोन वॉल्यूम एडजस्ट करेगा, बट डिफॉल्ट जो गाइज मीडिया वॉल्यूम है वो काफ़ी सही रहता है तो हमारी वॉल्यूम यहाँ पे कम नहीं होती है रिंगटोन की, तो ये फीचर यहाँ पर मिल जाता है गाइज आपको। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एक रियल साउंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलता है, इसको अगर आप इनेबल कर लेते हैं गाइज तो आपको जो ऑडियो एक्सपीरियंस है आपके फ़ोन में वो थोड़ा सा बेटर मिलेगा जो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिलता है। हेडफोन मॉनिटर का भी एक गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको भी गाइज आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे गाइज कुछ बेसिक ऑप्शन सारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। देन गाइज अगर आप अपने फ़ोन में यहाँ पे फेस अनलॉक यूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर तो है नहीं, तो फेस अनलॉक एंड पासवर्ड में आपको जाना है। और यहाँ पे गाइज आपको एक तो चीज़ मिलती है लॉक स्क्रीन पासकोड पासवर्ड की और सेट प्राइवेसी पासवर्ड है गाइज। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेते हैं, एक बार गाइज आप अपना पासवर्ड वगैरह एंटर कर लोगे उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे प्राइवेसी पासवर्ड के अंदर। और गाइज यहाँ पे आपको लॉक ऐप लॉक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप अपनी ऐप्स को लॉक करके रख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 ऐप्स को लॉक कर दूंगा तो फेस रिकॉग्नाइजेशन की मदद से ये यहाँ पर खुलेंगी, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर तो है नहीं यार। प्राइवेट सेव का भी गाइज ऑप्शन है यहाँ पर, आपको अगेन यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा यहाँ पर जाने के लिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को भाई एक्सेप्ट करके यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपके आइकन को ऐड कर देगा। और उसके बाद गाइज जो आप यहाँ पे रखना चाहते हो जैसे कि फ़ोटोज़ ऑडियोज़ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर चीज़ें वो यहाँ पे आप छुपा के रख सकते हो भाई, ताकि आपके फ़ोन में कोई यहाँ पे ताका जाके ऐसे ना कर पाए। तो गाइज ये फीचर आपको बाय डिफ़ॉल्ट रियलमी यूआई के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, और स्क्रीन लॉक की मदद से आप अनलॉक कर पाओगे, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा सिक्योर तो नहीं लगता है। तो भाई पासवर्ड तो है ही, वो तो आप यूज़ कर पाओगे यहीं पर। उसके बाद यहाँ पे गाइज आपको और भी फेस की सेटिंग्स मिलती है, जैसे कि फेस एंड पासवर्ड में आप जाओगे यहाँ पे फेस पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो ब्राइटनेस कंपनसेशन का, इसको यूज़ कर सकते हो। और यूज़ फेस अनलॉक आपके पास ऑप्शन है किस किस के लिए आपको यूज़ करना है, अनलॉक के लिए या फिर ऐप लॉक के लिए, प्राइवेट सेफ के लिए, तो ये सारे गाइज आपको यहीं पर ऑप्शन मिल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो किसमें पासवर्ड यूज़ करना है, किसमें फेस यूज़ करना है। अनलॉक गाइज कैसे आपको करना है, ऑटो अनलॉक करना है या फिर स्वाइप अप टू अनलॉक करना है। फॉर एग्जांपल गाइज जब आपका फ़ोन ऐसे लॉक होता है तो ऐसे स्क्रीन दिखते ही वो क्या वो अनलॉक हो जाए फेस दिखते ही, या फिर लॉक स्क्रीन पर ही रहना चाहिए, तो गाइज ये ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हो स्वाइप अप टू अनलॉक या फिर ऑटो अनलॉक अगर आप कर दोगे तो जस्ट आपका वो फेस दिखेगा और डायरेक्टली लॉक स्क्रीन में नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा। बट ऐसे आप करोगे तो आपको ऐसे स्वाइप करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन दिखे, तो गाइज वैसे बेटर ये रहता है देख सकते हो। और डू नॉट रिकॉग्नाइज फेस विद क्लोज आइज का भी ऑप्शन है गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे बंद आँख करके ना खोल ले और आप सो रहे हो आपका फ़ोन अनलॉक हो गया सोते सोते मम्मी पापा ने खोल लिया तो बहुत कुटाई हो जाएगी, तो इसको भाई यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी काम का ये फीचर है। उसके बाद गाइज सेटिंग्स में आपको कन्वेंस टूल्स के अंदर जाना, एक और फीचर है यहाँ पर असिस्टिव बॉल का, आपको गाइज यहाँ पे एक बॉल ऐसे मिल जाती है जिसको इनेबल कर देंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज़ करने के लिए आपको काफ़ी सारे एक्शन जैसे कि टैप का, डबल टैप, टच एंड होल्ड, और यहाँ पे देख सकते हो आपको अदर ऑप्शंस भी मिलते हैं, ट्रांसपेरेंसी वगैरह गाइज आप ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इसकी। तो गाइज अगर आप ऐसे डिफॉल्ट टैप करते हैं तो ये बैक हो जाता है, डबल टैप करते हैं तो मल्टीटास्किंग, और प्लस एंड होल्ड करते हैं तो गाइज ये होम पे आ जाता है। तो गाइज इस तरीके से बाय डिफॉल्ट काम करता है, बट ये काफ़ी यूजफुल फीचर है, आप इसको अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और नेविगेशन बटन्स में अगर हम गाइज जाते हैं यहाँ पे तो आपको वर्चुअल कीज़ तो मिलती हैं, मिरर करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं, ऑटो हाइड वर्चुअल बटन्स का भी ऑप्शन है गाइज, जैसे आपको यहाँ पे टैप करना है और इस तरीके से आपके जो आइकन्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। और यहीं पे गाइज आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं स्वाइप जेस्टर्स के, जैसे कि ऐसे एजेस से आप इस तरीके से बैक कर सकते हो, जैसे कि आपको मी यूआई और बाकी ओएस में देखने के लिए मिलता है। हाइड जेस्टर यहाँ पे गाइड बार है, और गाइज अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं गाइज यहाँ पे आप ट्राई आउट कर सकते हो। मोर में अगर आप जाते हो तो स्वाइप अप जेस्टर्स वगैरह भी आपको मिलते हैं, नए तरीके के जेस्टर्स हैं गाइज जो कि वैसे तो पुराने हैं बट इसके अंदर नए हैं, ऐसे आप होल्ड करते हैं तो इस तरीके से आप रिसेंट ऐप्स में जा सकते हैं, यहाँ से आप बैक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सारे फीचर्स गाइज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के जेस्चर्स हैं। वर्चुअल बटन्स मुझे अभी यूज़ करना है तो बैक कर लेते हैं हम यहाँ से। और गाइज यहीं पे आपको स्मार्ट स्लाइड बार का भी जो मैंने ऑप्शन दिखाया था वो मिल जाता है, यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो गाइज जेस्चर्स एंड मोशन भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स हैं यहाँ पे, तो आपको ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स को ऑन करना है, और देख सकते हो यहाँ पे डबल टैप टू ऑन स्क्रीन, ओ है, वी है, म्यूजिक कंट्रोल्स है, और स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में देख सकते हो कितने सारे शॉर्ट्स कट्स हैं, इनको आप यहाँ पे बेसिकली कस्टमाइज़ कर सकते हो।
उसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। नॉर्मली स्क्रीनशॉट तो गाइज़ आप ऐसे कैप्चर कर सकते हो, थ्री फिंगर डाउन करके नीचे करोगे तो ऐसे शेयर कर पाओगे। ऊपर अगर आप गाइज ऐसे करोगे तो यहाँ पे लॉक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा, और ऐसे आप करोगे तो गाइज़ ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ऑप्शन है, डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग का ऑप्शन है, तो इसको इनेबल करोगे तो बाद में डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको गाइज़ प्रीव्यू भी दिखा देगा कितने ऑप्शन आपको मिलते हैं। और अगर आप ऐसे करके तीन फिंगर को ऐसे रखते हो और उसके बाद ऐसे लाते हो ना, तो गाइस आप सिलेक्टेड एरिया का यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। और देख सकते हो नीचे काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह मिल रही है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के, बहुत सारे ऑप्शंस है गाइस इसके अंदर। प्रीव्यू विंडो लोकेशन का देख सकते हो, लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ पर थ्री फिंगर स्वाइप डाउन, थ्री फिंगर टच एंड होल्ड का, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया। तो स्क्रीनशॉट के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है गाइस। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो रिकॉर्ड कर सकते हो सिस्टम साउंड को। अगर आप यहाँ पे किसी ऐप की साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हो, इवन की पबजी गेम प्ले, और रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड का भी ऑप्शन है गाइस। इवन दोनों का आप यहाँ पे इनेबल करोगे तो दोनों इनेबल नहीं होंगे, अकेले अकेले ऑप्शन ही इनेबल होगा। बट इसकी भी एक ट्रिक है गाइस, अगर आप फ़ोन का जो साउंड रिकॉर्डर है उसको इनेबल कर देते हो और उसके बाद इसको यूज़ करते हो, मी वाई में ऐसा चल जाता है। इसमें भी आप ट्राई आउट करके देखना, क्या पता यहाँ पर भी चल जाए। वीडियो रेजोल्यूशन गाइस यहाँ पे 1080p का ऑप्शन आपको मिल जाता है। डिस्प्ले ओरिएंटेशन, फ्रंट कैमरा भी इनेबल कर सकते हो। रिकॉर्ड स्क्रीन टैप्स का भी ऑप्शन है। तो गाइस स्क्रीन रिकॉर्डर भी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे आपको, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करने लायक है। और यहाँ पे बैटरी में अगर हम जाते हैं, बाकी यहाँ पे गाइस परफॉर्मेंस मोड भी है। अगर आपको अपने फ़ोन में बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो हाई परफॉर्मेंस पे कर देना गाइस, थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा बट आपके फ़ोन की जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो काफ़ी एनहेंस हो जाएगी। अगर गाइस आप गेम्स वगैरह प्ले करना चाहते हो तो अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद गाइज अगर आपको रिकमेंडेशंस को ऑफ करना है, जो फालतू की नोटिफिकेशन या एड्स आके देखने के लिए मिलेंगे आपको रियलमी यूआई में, आई एम नॉट श्योर कि गाइज इसमें एड्स है कि नहीं, मैंने अभी ज़्यादा नहीं देखे हैं, बट थीम्स वगैरह के सेक्शन में आपको शायद से देखने के लिए मिलते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में जाना गाइज, सबसे नीचे आपको यहाँ पर गेट रिकमेंडेशंस का ऑप्शन है, इसको गाइज आप ऑफ कर देना। उसके बाद आपको रिकमेंडेशंस वगैरह यहाँ से नहीं दिखनी चाहिए। बट मी यूआई में गाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंट तरीका है, सारी ऐप्स में अलग अलग जाके करना पड़ता है, बट मुझे ये पसंद आया कि गाइज इसमें वन क्लिक प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद गाइस नॉर्मल सेटिंग्स में ऐसे आप आते हो तो यहीं पे आपको नीचे का ऑप्शन मिलता है ऐप क्लोनर का। तो डुअल व्हाट्सएप वगैरह अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक करके कि कौन कौन सी ऐप को आप यहाँ पे क्लोन कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा है बट यहाँ पे देख सकते हो दो ऐप अवेलेबल है, तो यहाँ पे इन दोनों को क्लोन अभी मैं कर सकता हूँ। गेम स्पेस का भी यार यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है हमें, तो यहाँ से आप अपनी गेम्स को मैनेज कर सकते हो। हाइड गेम आइकन इन होम स्क्रीन, मतलब होम स्क्रीन से आइकन हटा सकते हो। गेम असिस्टिव का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, देख सकते हो इनेबल यहाँ से करने का ऑप्शन, कौन कौन सी ऐप्स में आपको इनेबल करना है गेम्स में, तो ये ऑप्शन है। बाकी गेम्स वगैरह आप ओपन करोगे ना तो आपको पूरा एप्पल फुल फ्लैश यहाँ पे शो करता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे गेम स्पेस में परफॉर्मेंस वगैरह के लिए, नेटवर्क वगैरह के लिए काफ़ी मोड्स वगैरह दिए गए हैं, जो कि गेम्स अगर आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट स्क्रीन का। स्प्लिट स्क्रीन में गाइस देख सकते हो जैसे तीन फिंगर को आप ऐसे करके ऊपर की तरफ करते हो तो यहाँ पे मल्टी विंडो इस तरीके से ओपन हो जाती है, या स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो जाती है आपकी। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऐप्स को आप ऐसे साइमल्टेनियसली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं गाइस कि आप इसको हाँ एडजस्ट कर सकते हो गाइस, स्क्रीन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बढ़िया चीज़ लगी है मुझे कि गाइस एक जेस्चर की मदद से आप यहाँ पे कर सकते हैं थ्री फिंगर टू एंटर इन स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ से ऑन ऑफ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस अगर मैं कैमरा एप्लीकेशन में आपको लेके जाता हूँ तो मुझे एक सरप्राइजिंग चीज़ गाइस यहाँ पे ये देखने के लिए मिली कि आपको गाइस यहाँ पे स्लो मोशन का फीचर देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे काम भी कर जाता है। तो बजट सेगमेंट के फ़ोन्स में गाइस स्लो मोशन का यहाँ पर फीचर नहीं मिलता है, बट शॉकिंगली हमें इस प्राइस सेगमेंट में देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे हम मोर में जाते हैं तो यहाँ पे गाइस आपके पास प्रो मोड भी है, जिसमें ASO शटर स्पीड, वाइट बैलेंस और ऑटो फोकस होता है वो एडजस्ट करने का, EV एक्सपोजर है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं गाइस। बाकी ये 2x, 3x, 4x कुछ नहीं है गाइस, ये नॉर्मल डिजिटल है। तो ये आप यूज़ करना चाहते हो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रो अगर यूज़ करना चाहते हो कैमरे को। बाकी गाइस यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाते हैं जैसे कैमरे की, तो यहाँ पे आपको वाटर मार्क का भी ऑप्शन मिलता है, इसको आप यहाँ पे फ़ोन मॉडल यहाँ पर ऑथर अपना नाम वगैरह लिख सकते हो। उसके बाद आपको आपका नाम शो होगा फ़ोटो के ऊपर। तो गाइस ये कुछ कमाल के फीचर्स थे और हिडन फीचर्स थे, या टिप्स एंड ट्रिक्स आप बोल सकते हो हमारे Realme C3 के अंदर। तो गाइस अगर आपको इसमें से कोई फीचर नहीं पता था और आपको ये वीडियो किसी तरीके से पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को भी दबा के ऑल नोटिफिकेशंस पे कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।